और वहीं अयोध्या में कल मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में कहा कि पहले जो पैसा कब्रिस्तान की दीवार पर खर्च होता था वो अब मंदिर के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। आप देखना अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। प्रधानमंत्री अन्न योजना मई से लेकर के नवंबर तक प्रधानमंत्री मोदी जी प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को और देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। यह योजना नवंबर तक है लेकिन अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ और इसलिए राज्य सरकार ने तय किया है इस योजना को हम लोग होली तक लेकर के जाएंगे और होली तक लेकर के जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत हमने कुछ और चीजें इसके साथ जोड़ी हैं। एक अंत्योदय का जो कार्ड धारक है उन्हें हम 35 किलो राशन दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में फ्री में देंगे। और हर साल की तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस साल भी दिवाली के मौके पर आज गोरखपुर में वनटांगिया गांव जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वनटांगिया गांव के दौरे के मद्देनजर अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर ली, जबकि गांव के लोगों ने भी खुद मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए गांव में सीएम के स्वागत की जबरदस्त तैयारी की है। मुख्यमंत्री योगी साल 2010 से लगातार गोरखपुर के जंगल तिकोनिया नंबर 3 वनटांगिया गांव में दिवाली मनाने जाते हैं। इस गांव के लोग सड़क, बिजली और पानी के साथ राजस्व गांव का दर्जा नहीं मिलने की वजह से सरकारी योजनाओं से भी महरूम थे, लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद वनटांगिया गांव के लोगों को न सिर्फ सरकारी परियोजनाओं का लाभ मिला बल्कि मूलभूत सुविधाएं जैसे मकान, सड़क, बिजली, पानी के साथ स्कूल, विधवा पेंशन के साथ राजस्व गांव का दर्जा मिलने के साथ ही वोट देने का अधिकार भी मिल गया। निश्चित देखिए, पूज महाराज श्री जब गोरखपुर के सांसद थे बहुत पहले से वनटांगिया ग्राम में जाकर के दिवाली मनाते थे और जब मुख्यमंत्री हुए तो एक बार लगा कि मुख्यमंत्री जी अब योगी जी महाराज मुख्यमंत्री हो गए हैं तो हो सकता है वनटांगिया में आगमन न हो, लेकिन पूज महाराज जी ने उस परंपरा को निभाया और कोरोना काल में भी पूज महाराज जी पिछले साल वनटांगिया में आकर के लोगों को आशीर्वाद दिए। निश्चित अब की साल भी पूज महाराज जी के आने की तैयारी हो रही है। अयोध्या जी से सीधे पूज महाराज जी कल यहाँ आ रहे हैं वनटांगिया में।